हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फिंगरप्रिंट लॉक को हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाना है और आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी आपका लॉक है पहले से ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले यहाँ पर शो कर सकते हैं, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो हो जाएगा और आपको यहाँ पर क्या करना है, फिंगरप्रिंट लॉक को अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पर डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से डिलीट कर देना है, तो आपका जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मेरी जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो अनलॉक हो चुकी है। मैं फिंगरप्रिंट लगा रहा हूँ, ओपन नहीं हो रहा है और आपको यहाँ से अपने पासवर्ड से ही ओपन करना होगा इस तरीके से। तो मेरे फ्रेंड वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फ़ोन से रिलेटेड तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।